त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन व अंतिम दिन भी कड़ी सुरक्षा के बीच कलेक्ट्रेट परिसर में प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आपको बता दें कि जिला पंचायत सदस्य के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए 5 काउंटर बनाए गए थे, जिसमें 2 लाइन लगाकर क्रमवार प्रत्याशियों को नामांकन कक्ष जाने की अनुमति दी जा रही थी। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर गेट पर प्रत्याशियों के साथ आए समर्थकों को रोक दिया जा रहा था तथा प्रत्याशी तथा एक प्रस्तावक को अंदर जाने दिया जा रहा था। रविवार के नामांकन में अधिकतर महिला प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया तथा इस पंचायत चुनाव में अपना भाग्य आजमाने के लिए मैदान में आई। जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर से मिली जानकारी के अनुसार 2 दिनों में कुल मिलाकर ग्राम प्रधान पद के लिए कुल 11,292, बीडीसी के 1,700 पदों के लिए 9,037, ग्राम पंचायत के 16,372 पदों के लिए 16,076 और जिला पंचायत सदस्य के 68 पदों के लिए 984 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि 5 और 6 अप्रैल को पर्चों की जांच और 7 अप्रैल के को नाम वापसी के साथ चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। 15 अप्रैल को मतदान और 2 मई को मतगणना की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह और जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, उधर जो 36 उधर है त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन 2021 में जनपद गोरखपुर में जिला पंचायत हेतु कलेक्ट्रेट में और शेष क्षेत्र पंचायत ग्राम पंचायत के लिए ब्लॉकों में नामांकन प्रक्रिया चल रही थी। नामांकन प्रक्रिया अब सभी जगह समाप्त हो गई है। डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास 2 बजे तक का इन्फॉर्मेशन है। जिला पंचायत में कुल 893 नामांकन प्राप्त हुए हैं, ये 2 बजे तक की सूचना है। ग्राम प्रधान के लिए लगभग 7,375 नामांकन, सदस्यों के लिए क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए 8,044 और ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए 8,341 नामांकन प्राप्त हुए हैं। अभी 1 घंटे में पूरे जनपद की सूचना आ जाएगी, तो पुनः हम प्रेस से बात करके पूरी सूचना उपलब्ध करा पाएंगे। गोरखपुर में
15 अप्रैल को हो रहे प्रथम चरण के चुनाव के मद्देनजर 3 अप्रैल और 4 अप्रैल को नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इन दो दिनों में जिला पंचायत वार्ड के 68 सदस्यों के सापेक्ष कुल 984 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिसमें से 593 नामांकन पत्र 3 अप्रैल को और शेष 391 नामांकन पत्र 4 अप्रैल को दाखिल किए गए। इसके अलावा ग्राम पंचायत सदस्य के 16372 पदों के सापेक्ष 3 अप्रैल को 3962 और 4 अप्रैल को 12114, कुल मिलाकर के 16076 नामांकन पत्र लोगों के द्वारा दाखिल किए गए। इसके अलावा 1294 ग्राम प्रधान के पदों के सापेक्ष कुल 11292 प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन पत्र दर्ज किया गया, दाखिल किया गया, जिसमें से 3 तारीख को 7072 ग्राम पंचायत पदों के प्रधान पद के प्रत्याशी और 4 अप्रैल को 4220 ग्राम पंचायत प्रधान पद के प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इसके अलावा 6 पंचायत सदस्य, इसको बीडीसी भी कहते हैं, बीडीसी के 1700 पदों के सापेक्ष 3 अप्रैल को 6032 और 4 अप्रैल को 3005, कुल 9037 नामांकन पत्र प्रत्याशियों के द्वारा दाखिल किए गए। कल 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को दो दिनों तक नामांकन पत्र की स्क्रूटनी की जाएगी और जांच के बाद जो नामांकन पत्र सही पाए जाएंगे उसको 7 अप्रैल को नामांकन पत्र वापस लेने का दिन निर्धारित है। 3 बजे के बाद 7 अप्रैल को ही प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और 15 अप्रैल को प्रथम चरण में गोरखपुर में चुनाव होगा और 2 मई को मतगणना की जाएगी।